नागपुर ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने मौदा थाना क्षेत्र के लापका गांव में एक गैरेज पर छापा मारकर 17 मोटरसाइकिल और 2 इंजन बरामद किए। दुपहिया वाहन के जानकार युवक गैरेज चलाने की आड़ में नागपुर और भंडारा जिले के कस्बों से मोटरसाइकिल चुराते थे और उन्हें कई जगहों पर ले जाकर बेचते थे। लंबे समय से नागपुर जिले के कई गांव और शहरों से दुपहिया वाहनों की चोरी पड़ी हुई है। LCB की चोरी ने तलाश जुट गई है। LCB की टीम ने शनिवार को सुबह सूचना के आधार पर मौदा थाना अंतर्गत लापका गांव में संचालित उमेश ऑटोमोबाइल गैरेज पर छापा मारा। इस गैरेज का संचालक उमेश शालिकराम सोनाव ने झोपड़पट्टी पावड़दोना निवासी और उसके साथी प्रमोद राजू गजबे, प्रीतक इंद्र सोनाव ने अविनाश उर्फ विक्की राजू गजबे और आशीष उर्फ गोलू इंद्रपाल सोनवानी सभी लापका निवासियों को LCB ने गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। इस कार्रवाई में LCB के PI अनिल जिट्टावार के मार्गदर्शन में पूरी टीम ने हिस्सा लिया। आरोपी उमेश सोनाने के गैरेज में विभिन्न प्रचलित ब्रांड की मोटरसाइकिलें एकत्रित कर रखी हुई थी। ये ग्राहकों को ढूंढकर उन्हें ये 2 पहिया वाहन बेचते थे। LCB को पता चला था कि आरोपी इन गाड़ियों को दूसरे राज्यों में बेचने के लिए ले जाने वाले हैं। आरोपियों ने मोटरसाइकिलें जनवरी 2019 से अब तक नागपुर जिले के मांडल खात कोदामेंढी मारोड़ी लापका रामटेक और भंडारा जिले के लाखने जवाहर नगर शाहपुर और नागपुर शहर के पार्टी से चुराई थी। LCB ने इंटरनेट पर इन सभी वाहनों के नंबर और चेसिस नंबर आदि की जांच की तब ये वाहन चोरी के होने का खुलासा हुआ।